हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो आज बहुत अच्छी न्यूज़ आपको देने वाली हूँ। वो न्यूज़ ये है कि एक और ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी थर्ड लिस्ट को आउट कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 1.3 डेटेड 25/2024। इसका मतलब आज, मतलब कल जो डेट थी, वैसे मैं 20 के दिन पे ही, आज के ही दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, 20 तारीख को ही, लेकिन ये अपलोड होगा कल के दिन, मतलब आप 21 को ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ये वीडियो, ये जो लिस्ट है, ये आपकी निकल चुकी है 20 मई को ही। तो ये यहाँ पे आपकी लिस्ट यहाँ पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा सस्पेंस है। इसके पहले मैं आपको कुछ समझाने वाली हूँ, कुछ बताने वाली हूँ। सुनो, घबराना मत, परेशान मत होना, लिस्ट देख लेना। अगर इन केस आपका नाम नहीं आता है, तो जैसा कि मैं हमेशा 10 से 12 मेरा लाइव सेशन चलता है, उसमें आप ज्वाइन करते हो, आप मुझसे जो भी पूछते हो, मैं आपको उसमें हमेशा बोलती हूँ ऑप्शन के लिए ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, और ऑप्शन के लिए 4 से 5 यूनिवर्सिटी आपको रखनी ही होती हैं। ये चीज़ मैंने हमेशा बोला है। तो अगर इन केस इसमें जिन जिन बच्चों का नाम नहीं है, तो बिल्कुल भी मायूस मत होना, परेशान मत होना, आपके पास ऑप्शन और भी यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको बता दे रही हूँ, ये यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसने अपनी थर्ड लिस्ट को भी आउट कर दिया है। तो ज़रा सा हम इसके कट ऑफ पे नज़र डाल देते हैं और हम आपको इसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि क्या इसकी और भी लिस्ट आ सकती है, चांसेस हैं या नहीं है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या लिस्ट में आया है, किन किन बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलना है, कितनी क्या कट ऑफ गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको देख करके मायूस हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बट ठीक है, हम फिर भी एक बार इसको समझेंगे, पूरी तरह से एक एक चीज़ समझेंगे और क्लियर करेंगे कि क्या क्या है। तो यहाँ पे जब भी लिखा होता है तो आपको जाना है, लिस्ट में देखना है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको जरूर से पढ़ लिया करो। लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट हुज नेम आर डिस्प्लेड हेयर, मतलब कि इस लिस्ट में जितने भी बच्चों के नाम हैं उनको 23 मई को ऑनलाइन फीस सबमिट कर देनी है। एडमिशन फी ऑनलाइन लेटेस्ट बाय 23 मई 2024 टिल 11:59, मतलब कि आपको 12 बजे तक की, 23 मई तक की पंजाब यूनिवर्सिटी की थर्ड लिस्ट में जितने जितने भी बच्चों के नाम हो सकते हैं उनको फ़ी सबमिट कर देनी है थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर क्लेमिंग देयर सीट, फेलिंग विच देयर क्लेम टू एडमिशन विल बी कंसीडर्ड फॉरफिटेड ऑटोमेटिकली। मतलब कि आप अपना यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना, प्लस यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दीज लिस्ट कंटेन 2x नंबर ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट ईच अवेलेबल सीट, मतलब कि दो दो बच्चों को एक चीज पे आपको दिया गया है एडमिशन, समझ रहे हो, 2x नंबर में आपको दिया गया है, मतलब 1x मतलब 1 और 2x मतलब कि 2 × 1 = 2, मतलब कि दो दो बच्चों को एक चीज पे, एक सीट पे एडमिशन मिला है। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ फीस सबमिशन सेलेक्शन एंड वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर मेरिट फॉर ईच कैटेगरी, वेटिंग लिस्ट कैटेगरी कैंडिडेट विल बी एडजस्ट अगेन द वैकेंट सीट एज एंड व्हेन अ वैकेंसी अराइजेज आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, इफ नो सीट्स आर लेफ्ट वैकेंट देन फी इज वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट विल बी रिफंडेड। मतलब एक सीट पे दो लोगों को दिया है और अगर इनकेस कोई भी ऐसा वैकेंसी आगे आती है तो उस बच्चे को वहां पे भेज दिया जाएगा, और अगर इनकेस वैकेंट नहीं रहता है तो वो वाली जो फीस है वो उस बच्चे को वापस हो जाएगी। तो ये चीज आप समझ लो कि यहाँ पे अभी, मतलब एक और छोटी सी लिस्ट आने बाकी है जिसमें वैकेंट सीट्स रहेंगी। मैंने आपको बोला भी था कि वैकेंट सीट की एक लिस्ट आएगी। मैंने फिर बोला, लिखा हुआ है कि टू डिपॉजिट द फी कैंडिडेट, ये सारा सब कुछ देख लेना कि कहाँ से आपको करना है, ये लिंक दी हुई है, इस लिंक पे जा करके अपनी फी को सबमिट कर देना, और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड जो लिखा हुआ है उसको भी देख लेना, और जो भी यहाँ पे कैटेगरी एलिजिबिलिटी लिखा हुआ उसको देख लेना। अब हम एक बार आ जाते हैं इस पे, नाम देख लेते हैं कि किनके नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देख लो, एलएलएम वाले बच्चे, एससी वाला जो बच्चा है वो एक अंजलि कुमारी का नाम आ गया है, जो कि बच्ची आज हमारे वीडियो में आई थी, उसने मुझे बताया भी था कि मैम जो आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया। तो देखो 81 मार्क्स पे एलएलएम मिल गया है अंजलि कुमारी को, ठीक है। और फिलॉसफी, यहाँ पे आप देख सकते हो फिलॉसफी वाले 3 सीट्स को मिला है, एक अनरिजर्व्ड और 2 एससी वाले। तो रिया, सुमन और मनप्रीत जो है ये हैं, और इनको 241 अगर मार्क्स थे तो ये अनरिजर्व के थे, और 157 और 153 इनको मिल गया है। इकोनॉमिक्स के कितने बच्चों को मिला है, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब कि इसमें 4 हैं अनरिजर्व्ड और 4 हैं ओबीसी, तो इसमें देख लो ये हैं, और अभी एससी एसटी का इसमें कुछ भी नहीं आया है, तो आयुष और ये आयुष बंसल और ये हरप्रीत, इन सब का आया है यहाँ पे। और ये मार्क्स देख लो कितने कम मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन मिला है, उसको भी देख सकते हो। इंग्लिश में एससी और एसटी बच्चों को मिला है, इसमें 37 मार्क्स भी अगर आए हैं तो देखो इनको एडमिशन मिल गया है। रीना मीना, अरे रीना मीना तो आई भी थी हमारे वीडियो में, 10 से 12 के जो सेशन था उसमें भी आई थी, तो इसका इस बच्ची ने बताया भी था कि मैम हमारा क्या हो सकता है, कुछ हमने पंजाब का भर दिया है, तो देखो यहाँ पे इसका नाम भी आ गया है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी आप देख सकते हो, तो 61, 27 मार्क्स पे भी आपको हुआ है, और मोहम्मद सलमान, अदना, फातिमा, इन सब का हिस्ट्री में भी हुआ है। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे, तो ये पूनम और प्रियांशु नेहरा, अच्छा ये प्रियांशु नेहरा भी आज आए थे और इसका भी हो गया है। आकर्ष, सौम्या, इन सब का पॉलिटिक्स और नेशनल रिलेशंस में हुआ है, इसमें ये सारे आप एससी एसटी और अनरिजर्व को देख सकते हो। सोशियोलॉजी के लिए देख लो, सोशियोलॉजी के लिए सिर्फ 2 सीट्स को मिला है अनरिजर्व की, हुए हैं वो भी रितिका और वंशिका, ये हैं जनरल, और 116 और 115 मार्क्स में मिला है। एमएड में मिला है 3 बच्चों का, और अनरिजर्व हैं मेघा द्विवेदी और रजत और स्वास्थ्य दीपा, इसको मिला है 80 और 81 और 75 पे। बायोकेमिस्ट्री एससी, तमाशा हल्डर एससी जो 99 है उनको मिल गया है। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स अभिषेक कुमार मंडल को मिला है, स्नेहा मेहर, इन सबको, ईशा, देविका, इन सबको। बॉटनी देख लो, ये बॉटनी में 4 हैं, बॉटनी में विक्की को मिला है, सुभाजीत मूरा भी आए हुए थे, ईशा रानी, इन सबको मिल गया है। ओके, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आयुषी और कौशिकी, इन सबको मिल गया है। ज्योग्राफी में देख लो इतने सारे बच्चे हैं, इन सबको मिला। दीपाली और ये सब ह्यूमन जेनेटिक्स के हैं, इनको मिल गया है। मैथमेटिक्स में हरप्रीत कौर और नम्रता, पलक का हो गया, आज एक पलक बच्ची आई थी उसने भी बोला था कि मैम मेरा हो गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये हो गया है, और माइक्रोबायोलॉजी का तो हमें, हाँ यहाँ पे ये माइक्रोबायोलॉजी है, तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी देख सकते हो पलक का हुआ है, और माइक्रोबायोलॉजी नम्रता का हुआ है, 129 और 163 और एसटी है और ये एससी है, इनका हुआ है। तो ओके, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल, और आपका हुआ तो अच्छी बात, और अगर नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन के लिए है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, अभी एक डेट इसको और भी आ सकती है, ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रोज़ लाइव सेशन चलता है 10 से 12 रात में, तो आप उसमें आ करके अपनी कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हो, परेशानी को मुझे दे सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी चीज़ पूछनी है, कोई भी घबराहट, कोई भी परेशानी बेटा पढ़ाई से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड हो रही है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। अब यहाँ पे एक बार एम फार्मा की भी नोटिस अगर आपको देखना है तो एम फार्मा के लिए नोटिस देख सकते हो। एम फार्मा के लिए बच्चे बोल रहे थे कि मैम नहीं आ रहा, तो एम फार्मा के लिए जी पैट के थ्रू भी हो रहा है और CUET के थ्रू जो हो रहा है उसके बारे में भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे देख लो बॉटनी के लिए एक प्रोविजनल रिवाइज्ड प्रोविजनल जो सिलेक्शन लिस्ट निकली है, एक बार इस पे आकर के क्लिक करके देखते हैं कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। आ जाओ, इसके बारे में हम एक बार देखते हैं कि क्या दिया हुआ है बॉटनी के बारे में। ओके, तो ये बॉटनी वाले बच्चे हैं, इनको भी देख लेना आप लोग, ये पहली लिस्ट के हैं, सिर्फ बॉटनी के लिए निकाले गए थे, ये पहली लिस्ट के बच्चे थे। ओके चलो, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन जितने भी आते हैं हर एक नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, हर एक चीज़ आपको घर बैठे ही पता चल जाएगी इस चैनल से। थैंक यू सो मच।